तुझसे पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है बेजमान तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारा दा, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला ओम भू नमस्कार जी सबको सब भाई बहनों को झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी तिरंगा प्यारा विजयी तिरंगा प्यारा सदा शक्ति बरसाने वाला सदा शक्ति बरसाने वाला धबीरों को हर वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत का ये तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा आओ वीरों इस, आओ वीरों इसके नीचे आओ आओ वीरो आओ आहो प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ आओ सारे मिल कर गाओ तब होवे प्रण पूर्ण हमारा तब हो वे प्रणप हमारा झंडा ऊँचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी शान न जाने पावे इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए जाए जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए यही है हमारा यही है उद्देश्य हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इस झंडे पे नीचे निर्भय इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वतंत्रता अविरल निश्चय ले स्वतंत्रता अविरल निश्चय यही है उदेश हमारा यही है उदेश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा प्यारा जंगा रहे हमारा धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद माता सुमित्रा गुप्ता जी अब आमंत्रित करता हूँ मैं जनक अरोड़ा माता जी पानी बसते उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी क्या आएंगे जनक अरोड़ा जी माता जनक अरोड़ा जी पानीपत हाँ जी आइए आज का विषय अमर शहीद लाल राम बिस्मिल का है आज शहीदी दिवस उन्नीस दिसंबर है परसों परसों उसी पे रखा है हाँ जी उसी पे रखा है बोलिए उसी पे बोलू हाँ जी राम प्रसाद बिस्मिल पे बोल दू हाँ जी हाँ जी ठीक है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जब वो गोरखपुर जेल में बैठे होते हैं तो अपनी माँ को वे पत्र लिखते हैं गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना देश धर्म का दीवाना देस धर्म का दीवाना गोरखपुर की जेल में बैठा मां को लिखता परवाना देस धर्म का दीवाना देस का दीवाना जन्मदात्री जननी मेरी ले अंतिम प्रणाम मेरा जन्मदात दी जननी मेरी ले अंतिम प्रणाम मेरा जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता जी यह तेरा जन्म जन्म तक ना भूलूंगा मैं माता जी यह तेरा।, तेरा सेवा न कर सका आपकी की सेवाना कर सका आपकी यही है मेरा पछताना देश धर्म का दीवाना देश धर्म का दीवाना गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना देश धर्म का दीवाना देश धर्म का दीवाना मेरी मौत का मेरी मात से जब संदेश सुनाए मेरी मौत का मेरी मात से जब संदेश सुनाए मेरी याद में तेरी आंख से ना बह जाए मेरी याद में तेरी आंख से आंसू न बह जाए वतन पे मरने वालों की माँ कौन चाहिए घबराना देश धर्म का दीवाना देश धर्म का दीवाना गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना देश धर्म का दीवाना देश धर्म का दीवाना सब माताओं की माता है मेरी भारत माता सब माताओं की माता है मेरी भारत माता उसकी आजादी की भेंट चढ़ने को मैं जाता उसकी आजादी की भेंट चढ़ने को मैं जाता जिसको प्यार नहीं माता से जिसको प्यार नहीं माता से उसका अच्छा मर जाना देश धर्म का दीवाना देश धर्म का दीवाना की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना देश रम का दिन हो गवत आजाद एक दिन दिल ऐसा भी आएगा हो गवत ने आजाद एक दिन दिल ऐसा भी आएगा स्वर्ण अक्षरों में माँ तेरा, तेरा नाम लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में माता तेरा नाम लिखा जाएगा म सिंह भी गाएगा माँ हेम सिंह भी गाए गा बना बना तेरा गाना देश धर्म का दीवाना देश धर्म का दीवाना गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना देश धर्म का दीवाना देश धर्म का दीवाना देश धर्म का दीवाना देश धर्म का धन्यवाद जी तो। बहुत 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 धन्यवाद माता जी अमर श्री राम दिवस उन्नीस दिसंबर का है। उनको फांसी लगी थी <laughs> उनकी शहादत को आज आप नमन कर रहे हैं अब है। मैं रविन्द्र गुप्ता जी फीदाबाद से प्रार्थना करूंगा एक मधुर गीत जी रविंद्र गुप्ता जी सभी श्रोताओं को मेरा नमन आइए सभी शहीदों को याद करते हुए एक सामूहिक समर्पण गीत शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है तेरे शेरों की खातरी गौरवशाली है शिरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है सांगा और प्रताप अमर सिंह पृथ्वीराज दलेर यहां पृथ्वीराज दलेर यहां गुरु गोबिंद सिंह वीर शिवाजी वेरागी से शेर यहां वेरागी से शेर यहां जिनके गुण गौरव की गरिमा दुनिया ने अपना ली है शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है लाल पाल और बाल सरीखे प्यारे राज दुलारे हैं प्यारे राज दुलारे हैं राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे शेर तुम्हारे हैं जैसे शेर तुम्हारे हैं तन मन धन और प्राण लुटाकर तेरी की रखवाली है शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है बिस्मिल और सुभाष गरज कर धरती गगन हिला देते धरती गगन हिला देते चमक चंद्र शेखर लाखों में अपनी दाग जमा देते अपनी दाक जमा देते जिस दुश्मन ने आंख दिखाई उसकी आंख निकाली है शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है भारत वर्ष बड़े उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले रंग बिरंगे फूल किले एक से बढ़कर एक एक को शेर यहाँ हर बार मिले शेर यहाँ हर बार मिले पथिक शेर पुत्रों से तेरी गोद न होती खाली है शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है तेरे शेरों की खातर ये गौरवशाली है, है। माता तेरी शान निराली है बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी और रायद गार्ग जी को आमंत्रित करता हूँ आएगा एक और बदुर गर्ग जी जी नमस्कार भाई साहब आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और आज जिन अमर आत्माओं को अमर शहीदों को मेरा नमन जिनको याद करके आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं एक स्वामी आत्मानंद जी का गीत है उसको पेश कर रही हूँ फिर वही छाया अंधेरा आज फिर आवाने तेरा फिर वही छाया अंधेरा आज फिर आवाले तेरा सो गए फिर तान चादर था जिने ऋषि ने जगाया भटकते फिर ते पथिक मग आपने जिनको दिखाया भूल ही सबको गए वह ध्यान तेरा ज्ञान तेरा फिर वही छाया अंधेरा आज फिर आवाने तेरा गुरु को के राग गाते जो फिर ढपली बजाते आज कॉलेज के तराने ने गारे बेही पुराने पश्चिमी घन ने प्रभु फिर प्राचरवि को आन घेरा फिर वही छाया अंधेरा आज फिर आवाने तेरा धर्म हित प्राण देना आपने जिनको सिखाया कथन से केवल बल नहीं बलिदान देकर भी सिखाया खेद पद की भूख ने लाया उन्हीं के द्वार फिर वही छाया अंधेरा आज फिर आहान तेरा वेद के मृदुगान को आचार की शुभ आन को पीक्षरों की जाल में भूले सुपथ के मान को छिप छिप गई ब्रह्मचर्य आभा आया नौवन सवेरा फिर वही छाया अंधेरा आज फिर आह्वान ते आके पुण्य आकर हे आनंद रस धर वेद की वा... ंसी सुना कर फिर न आए आप जाकर देख लो फिर आप आकर प्रभाकर जो गए थे तम हटा कर मिट रहा वह राज मेरा फिर वही छाया अंधेरा आज फिर आह्वान तेरा फिर वही छाया अंधेरा आज आवाने तेरा जी धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी हमें नरेश प्रसाद जी का जीवास्ते अनुरोध करूँगा एक उसके बाद, बाद देभ जी तैयार रहे फिर आचार्य चंद्रशेखर श्री का उद्बोधन तो, तो आइए दुरेशी देशी बोलिए नमस्ते नमस्ते सभी पदाधिकारी आपको खास करके नमस्ते एक गीत कि खुल गई खुल गई रे पाखंडियों की पुल दयानंद तेरे आने से पुल गए पुल गई रे पाखंडियों की पोल दयानंद तेरे आने से जो कहते थे बैतरनी में पितर रे थारे सेना सोना चांदी गोदान को पार उतर जा पारे हो गया हो गया रे हो गया हो गया उनका ही तो गोल दयानंद तेरे आने से खुल गई खुल गई रे पानों की पोल दयानंद तेरे आने से पत्थर के भगवान पूजा कर लूट मचाई जग में भांग घोट कर पीने वाले नसा रग रग में डगमग डगमग डग 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 उनकी नहीं आ गई डोल दयानंद तेरे आने से खुल गई खुल गई रे पाखंडियों की पोल ऋषि तेरे आने से विधवा विवाह और सत्य प्रथा थी नारी नरक के खान हवन जनेू और गायत्री बहना पाप महान वैदिक धर्म की वैदिक धर्म की जो छा गई दया दयानंद तेरे आने से खुल गई खुल गई रे पाखंडियों की पोल ऋषि वर के आने से ओम स्वरूप दीवाना तेरा वेद की बात बताए रोंगी और पाखंडियों की धजिया खूब आए सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश मिला है अनमोल ऋषि तेरे आने से खुल गए खुल गए पाखंडियों की पोल ऋषि तेरे आने से खुल गए खुल गए रे पाखंडियों की पोल ऋषि भर तेरे आने से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी का जी वास्ते आप आमंत्रित करता हूँ देवधर आर्य सुमन जी आप मंत्री आर्य सुमन रमेश नगर एक गीत उसके बाद आज के मुख्य वक्ता आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी राजस्वी उद्बोधन आइए सुमन जी स्वागत है ओम सभी को नमस्ते जी हम्म <laughs> 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 सोने जैसी माटी की अमृत जैसा पानी है घर घर में गा की जाती भारत की अमर कहानी है घर घर में गा जाती रत की अमर कहानी है सोने जैसी माटी इसकी अमृत जैसा पानी है सोने जैसी माटी इसकी अमृत जैसा पानी है घर घर में गा की जाती बात की अमरतानी है सोने जैसी माटी इसकी एक और है खड़ा ही एक और सागर विशाल है एक और है खड़ा ही माले एक और सागर विशाल है, है, है। चरण पखारे गंगा सागर कश्मीर दै भाल है चरण पखारे गंगा सागर कश्मीर दै भाल है कश्मीर तै दीप्य बाल है हे देवों की जन्मभूमि है यह तो भूमि कल्याणी है घर घर में गाई जाती बात रथ की अमर कहानी है उन्हें तो जैसी माटी से की गंगा जमुना अति पावन धरती को स्वर्ग बनाती है गंगा जमुना अति पावन धरती को स्वर्ग बनाती है कण कण में यह प्राण सींच कर जीवन को दुलराती है कण कण में यह प्राण सींच कर जीवन को दुलराती है जीवन को दुलराती है स्वर्ग से सुंदर धरा हमारी सारे जगने मानी है घर घर में गाई जाती भारत की अमर कहानी है सोने जैसी माटी इसकी भगत सिंह आजाद सरी के भारत माँ के लाल यहाँ भगत सिंह आजाद सरी के भारत माँ के लाल यहां इनके आगे अंग्रेजों की गली कभी नादाल इनके आगे अंग्रेजों की गली कभी ना दालिया गली कभी दालिया बलिदानी आदर्श है इनके इनकी धन्य जवानी है घर घर गाई जाती की अमर कहानी है सोने जैसी माटी इसकी धन्यवाद तो जी बहुत सुंदर है दसव बहुत आनंद आया कई दिनों बाद जुड़े धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं मैं सोच रहा हूँ पहले दीप्ति सप्राजी का एक सुंदर भजन हो जाए उसके बाद आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी आइए स्वागत है सभी को सादर नमस्ते जी बहुत नमस्ते ही सुंदर देशभक्ति का गीत सुना आनंद आ गया आइए उसी श्रृंखला में एक देशभक्ति का गीत मैं भी रखने जा रही हूँ भारत देश दिश प्यारा है भारत देश ही प्यारा है निज संस्कृति को जिसने किया पूजारा है भारती प्यारा है यहाँ वेद पड़ी जाती यहाँ वेद पड़ी जाती सुबह शाम यहाँ नित्य जाती सुभा नित्य यज की जाती भारत ये चंदा है भारत ये चंग लाल किले पे सदा लहराता तिरंगा है लाल किले पे सदा लहराता तिरंगा है ऋषि ले दयानंद स्वामी ने ऋषि दयानंद स्वामी ने बतलाया दुनिया को रचानी ने बतलाया दुनिया को रचांतर यामीले यहां कृष्ण मुरार हुए यहां कृष्ण मुरार हुए श्री राम थे पुरुषोत्तम बड़े आज्ञाकार हुए श्री राम थे पुरुषोत्तम बड़े आज्ञाकार हुए सब देश से प्यार करो सब देश से प्यार करो धन मन धन जैन्द इस पर निसार करो धन मन धन जैन इस पर निसार करो भारत देश ये प्यारा है भारत देश ये प्यारा है निज संस्कृति को जिसने किया आप जा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद देवते जी बहुत सुंदर बहुत दर्शक व्यक्ति का माहौल बन गया इन बिगड़े दिमागों में बड़े खुशियों के लच्छे हैं हमें पागल ही रहने दो तो हम पागल ही अच्छे हैं हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर हमको भी माँ बाप ने पाला था बड़े दुख कहकर परे देशवासियों को भाई हमें भी याद कर लेना भूलें पट जब आँख में आंसू दो बह तो मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य वक्ता युवा विद्वान आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर से आएंगे अपना उद्बोधन देंगे भारत के गुमनाम शहीद क्योंकि उन्नीस तरीक को राम प्रसाद का शेय दिवस है जिन्होंने कहा था जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को वहीं अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने जो तो फांसी लगती है लोग गद्दारी करते तो बोलते वतन की आबरू का पास देखे खोट करता है सुना है आज मकतल में हमारा इम्तहा हाँ होगा जो तो दामद हो मेरे पहलू से दर्दे वतन किस तो जाने वादे बदन में कहा तो कहा होगा शहीदों की सताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले वतन पे बैठने वालों का यही बाकी नहीं होगा इला ही वह दिन होगा जब हम मना देखें जो अपनी ही जमी होगी अपना आस्था होगा ऋषि जी के संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे जब तक तन में एक भी बूंद हो की बाकी है भारत के आजादी के खुबनाम नहीं होने देंगे

ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम् सदश्मे देवा उपसं नमन्तु सदश्मे देवा उपसं नमन्तु केंद्रीय आरोग्य परिषद नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल जी इस कार्यक्रम के संयोजक एवं सूत्रधार और विगत दीर्घ काल से तीन में वेबिनार के माध्यम से लगातार भारत माता के और भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति के प्रति निरंतर श्रद्धा और आस्था विश्वास रखने वाले भारत माता के समस्त मातृशक्ति या धार्मिक सज्जनों को अपने कार्यक्रमों के द्वारा एक सूत्र में बांधने का कार्य अनवरत अनिल आरजी ने किया है और कर रहे हैं आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है इस कार्यक्रम में बैठे हुए समस्त मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जन वृंद भारत की आजादी का यह पचहत्तरवा वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित हो रहा है और इसी श्रृंखला में आज का यह प्रतिपाद्य विषय कि भारत की आजादी में गुमनाम शहीद और उनको स्मरण करने का यह पावन दिवस है अभी बहुत अच्छे गीतों के द्वारा उन शहीदों को स्मरण किया गया भारत माता को प्रणाम किया भाई नरेंद्र सुमन जी ने भारत माता की जय जयकार अपने मधुर स्वर से की अन्य माताओं बहनों ने भी दीप्ति सप्राट जी ने भी उसी भाव के साथ अपने मधुर स्वर को सुनाकर इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि तैयार की सज्जनों माताओं आज भारत की आजादी के जब हम पचहत्तर वर्ष के इस अमृत महोत्सव में स्मरण कर रहे हैं और देश की आजादी के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी जिन्होंने क्रांतिकारियों का अनवरत सहयोग किया जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों के साथ सहभागी रहे आज उनको स्मरण करने का एक अवसर है हम भारतवासियों को अपनी देश की आजादी का जब हम शिघावलोकन करते हैं भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से हम चिंतन करें तो आज हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि देश की आजादी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम का शुभारंभ जो अठारह में हुआ 1857 में उससे दो वर्ष पूर्व 1855 में हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित हुआ था और उस कुंभ के मेले में महान स्वतंत्रता संग्राम का संगनाद करने वाले राष्ट्र की भक्ति का भाव जिनके रग रग में समाया था राष्ट्र के स्वाभिमान की भावना जिनके अंतकरण में विराजमान थी ऐसे महर्षि देव दयानंद सरस्वती उस 1855 के कुंभ के मेले में माउंट आबू से यात्रा रहे हरिद्वार के लिए और शीत के जीवन की गाथा में वर्णन आता है कि माउंट आबू से लेकर राजस्थान के प्रमुख नगरों में और उस नगरों की श्रृंखला को जब आप देखेंगे तो वहां से लेकर के पाली है अजमेर है किशनगढ़ है जयपुर है अलवर है दिल्ली है मेरठ है रुड़की इस मार्ग पर होते हुए ऋषि ध्यान जी का आगमन हरिद्वार में हुआ इस मार्ग में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो देश की प्रथम स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए हैं आज उनको विस्तार से कहने का समय नहीं है फिर कभी प्रसंग आएगा तो इसके मध्य के जो बहुत सी हैं उनको भी आपको कैसी मंच से सुनाने का अवसर आएगा तो सुनाएंगे लेकिन हरिद्वार के उस कुंभ के मेले में स्वामी दयानंद महाराज की तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक भेंट हुई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आगमन उस कुंभ के मेले में हुआ था और स्वामी दयानंद जी के साथ जब वो उनका साक्षात दर्शन हुआ महाराज के आशीर्वाद प्राप्त किया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता उत्साह अदम्य साहस पराक्रम और भारत माता के प्रति समर्पण की भावना को देख करके ऋषि दयान जी ने यह कहा कि जिस देश हमारे देश के अंदर नारियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह से देशभक्ति की भावना जागृत हो जाएगी तो वे विन दूर नहीं होंगे जब हम गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाएंगे माताओं ऋषिदानंद महाराज का आशीर्वाद पा करके और यहां हमें यह भी जानना चाहिए कि उसमें भारतीय जनमानस जो हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने आया था उस हरिद्वार के कुंभ के मेले में भारतीय जनमानस ने सुना कि ऋषि दयानंद नाम के सरस्वती विराजमान है तो जो भक्त लोग उनके महाराज के दर्शन करने जाते श्रद्धा के साथ में उनको कुछ उपहार रूप में दक्षिणा भी अर्पित करते महाराज उनको देशभक्ति का संदेश देते थे भारत माता की गाथा और उसकी मानता का वर्णन करते थे और उस समय ऐसा वर्णन आता है कि लगभग ग्यारह सौ से अधिक धन राशि ऋषि के पास एकत्रित हुई और वह सारी धनराशि महाराज ने तात्या टोपे को सौंप दी कहा मैं तो सन्यासी हूँ और यहां से मुझे केदारनाथ गंगोत्री के इस यात्रा पर जाना है मुझे धन की आवश्यकता नहीं है ये जो जनमानस ने श्रद्धा से मुझे धन दिया है ये धन देश की आजादी के कार्य में आप इसका सदुपयोग करें और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक तथ्य को जानने और समझने का अवसर है तात्या टोपे ने ऋषि ध्यान के द्वारा प्रदत्त धनराशि को ग्रहण किया और आने वाले समय में उस धन का सदपयोग देश की आजादी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में किया गया माताओं बहनों आपको हमें यह जानना चाहिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा हम लोग बार बार गाते हैं सुनते हैं आज भी पाठ पुस्तकों में उनकी जीवन गाथा का वर्णन है एन की जो कक्षा छठी की पुस्तक है हिंदी की उसमें झांसी की रानी का ये दसवा पाठ है और आज भी उस कविता को जब हम गाते हैं सुनते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है विद्यार्थी जीवन से लेकर के आज तक उस गाथा को हम सुनते कुमारी चौहान ने जिन भावों के साथ झांसी की रानी के इतिहास को प्रस्तुत किया वो हमारे अंदर एक देशभक्ति का भाव उत्पन्न कर देता है सिंघासन हिल उठे राजवंशों सोने भ्रकुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी खुबड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ये पंक्तियां जो हमारे कानों में गूंजती हैं तो हमें अपने झांसी की रानी के शौर्य और पराक्रम का भाव उत्पन्न होता है और इस कविता को का बड़ा विस्तार भाव के साथ में इसके शब्दों का चयन हमारी देश की महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिस भाव के साथ किया है आज भी हमारी युवा पीढ़ी इसको गाते गाते रोमांचित हो जाती और के एक दो प्रसंग में कविता के आपको सुनाना चाहूं ये गीत कितना आज भी हमारे जनमानस के लिए कितना प्रेरणादायक है केवल झांसी की रानी नहीं जब हम गुमनाम शहीदों को याद कर रहे हैं तो उनका प्रमुख नेतृत्व तो कर रही थी झांसी की रानी लेकिन उनके पीछे जो लोग थे उन लोगों का वर्णन करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसमें लिखा इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम नाना दुदू पंतिया चतुर मौलवी ठाकुर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब मर्दानी मरदानी वह तो झांसी वाली रानी थी क्या भाव है कौन कौन थे वे लोग धुंधु पंते ताते थे अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुमार सिंह ये वे नाम है जो गुमनाम है आज किसी को बच्चों को पूछा जा झांसी की रानी के, के साथ लड़ने वाले शहीदों के पांच शहीदों के नाम बताओ तो हमारी युवा पीढ़ी झांसी के रानी का नाम तो कुछ लोग जानते हैं उनके ऊपर एक पिक्चर भी बन गई लेकिन झांसी की रानी के साथ लड़ने वाले पीछे अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर पुरुषों के नाम को कौन जाने उनका भी तो स्मरण करें कौन जानता है ठाकुर कुंवर सिंह कौन थे कौन जानता है अमित शाह मौलवी ने कैसे झांसी की रानी का साथ दिया था और कौन जानता है अजीम उल्ला ने और तांतिया ने धुदू पंत ने नाना शाह पेशवा ये वे लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर के इस महायज्ञ को पूर्ण कराने में अपना जीवन का बलिदान दिया अपने प्राणों की आहुति दी आज इस दिवस पर अनिल धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने आज उन वीर गाथाओं को याद करने का एक अवसर दिया है और इतना ही नहीं इस महायज्ञ में जो साधु शहीद हुए थे उनका भी स्मरण करने का दिन है अनिल आर जी आप अब ग्वालियर आइए और मैं आपको उस स्थान पर ले चलूंगा झांसी जा, की रानी ग्वालियर में आकर के शहीद हुई और अंग्रेजी सैनिकों ने जब यूरोज ने उनके पीछे पड़ गया पर पीछे यूरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी रानी घबराई नहीं और फिर आकर के चली गई और उसमें बाबा गंगादास की झोपड़ी थी भाई आर जी आज भी बाबा गंगादास की वो झोपड़ी है जहां सात सौ पैतालीस साधुओं ने झांसी रानी के संघर्ष के लिए अपनी तलवारें खींच ली अपने भाले निकाल लिए और अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ गए ये भारतीय इतिहास में आज कितने लोग इस बात को जानते हैं कि झांसी की रानी की अस्मिता मान सम्मान की रक्षा के लिए उन भारत के वीर साधुओं ने अपने आश्रम से निकल करके अंग्रेजी सेना के साथ संघर्ष किया और तब तक संघर्ष करते रहे जब तक झांसी की रानी को बाबा गंगा दास ने झोपड़ी में, में आग लगा करके प्राप्त नहीं हो गई भारतीय इतिहास का वह पक्ष है आज उन सात साधुओं का नाम कोई जानता है आज बाबा गंगा दास की गाथा को कोई गाता है आज बाबा गंगा दास को भारतीय इतिहास में कितने लोग जानते इस बात को यह हमें जानना चाहिए यह हमें पढ़ना चाहिए और मैं आ, आप लोग जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे मैं आह्वान करता हूं कि जब कभी आप ग्वालियर आए और अब आजकल मैं ग्वालियर में रह रहा हूं हम आपको ले चलेंगे वो स्थान दिखाएंगे जहां झांसी की रानी वीरगति के की उनकी समाधि है आज भी वो स्थान है जहां बाबा गंगादास का स्थान है उनकी परंपरा में आज जो उनके गुरु हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, स्वामी राम सेवक दास जी महाराज उसी परंपरा के साधु हैं मेरे अच्छे मित्र हैं और उन्होंने वो स्थान मुझे दिखाया उसका इतिहास बताया आज हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है सज्जनों इस परंपरा से हमें आगे की ओर चले जब हम अठारह सौ सत्तावन के इस युद्ध को याद करते हैं तो एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में और नामों को भी याद कर ले और जो अनाम है जिनके नाम रह गए हैं उनको भी याद करने का दिन है आज और उसमें एक नाम मंगल पांडे का है और मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई अठारह में हुआ था और ये शहीद हुए थे 8 अप्रैल अठारह को मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने अठारह सत्तावन के भारतीय विद्रोह के फैलने से ठीक पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह ब्रिटिश इंडिया कंपनी की चौतीसवीं बंगाल नेटिव इंफैक्ट्री बी के रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो पैदल सैनिक थे धन्य है भारतीय इतिहास में मंगल पांडे का नाम अमर हो गया आज की युवा पीढ़ी को पूछा जाए अठारह के सौ के इस स्वाधीनता संग्राम में मंगल पांडे को कितने देश की युवा पीढ़ी के लोग जानते हैं मंगल पांडे का इतिहास उनकी जीवन का था हमारे देश की शिक्षा पद्धति में इन महान पुरुषों के नाम आज स्मरण करने का अवसर है इसी क्रम में माताओं बहनों एक नाम है चेन्नम्मा जिनका 24 नवंबर सत्रह में जन्म हुआ और 21 फरवरी अठारह सो वीरगति को प्राप्त हुई 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष करती रही और उन्होंने सबसे पहले संघर्ष करने वाली यह महान देवी थी भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली मातृशक्ति वंदनीय है चेनम्मा का इतिहास में नाम अमर हो गया और श्री क्रम में चले तो और महारानी रानी अवंती बाई रानी अवंती बाई का जन्म 16 अगस्त अठारह में हुआ और हुआ मार्च अठारह मार्च अठावन को हुआ अठारह की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंती बाई रेवाचन में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी और ये सौभाग्य भाई अनिल जी रानी अवंती बाई की भी समाधि ग्वालियर के में है उनका वो उनकी स्टेचू है ग्वालियर तो याद करते हैं प्रणाम करते हैं आप आइए निमंत्रण आपका स्वागत है जरूर आएंगे और आज ये इतिहास को याद करने का अवसर है जब हम इतिहास को याद कर रहे हैं तो एक नाम आता है आप देखिए रानी झलकारी बाई माताओं का भारतीय इतिहास में कितना बलिदान हो, हो। भारत की माताएं वंदनी शक्ति हम प्रणाम करने का अवसर है झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 और बलिदान अठारह में हुआ लक्ष्मीबाई की सेना की अहम सैनिक थी लक्ष्मीबाई के साथ कदम से कदम मिलकर के झलकारी बाई ने अपने प्राणों की आहुति दी आज हमें उस सरकारी बाई के इतिहास को जानने की और पढ़ने की आवश्यकता है इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तात्या टोपे जिनका जन्म 1814 में हुआ और 18 अप्रैल अठारह सो उन... 1859 में इनका बलिदान हुआ और अठारह के प्रथम आंदोलन के महान योद्धा हैं तात्या टोपे और तात्या टोपे को जब हम याद करते हैं भाई अनिल जी जिंदनों में मैं दिल्ली में था तो बसंत कुंज में एक कार्यक्रम में गया तो वहां के एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे दामाद हैं ये तात्या टोपे डॉक्टर टोपे जी हैं ये अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है तो मैंने उनको पूछा कि आप तात्या टोपे के वंशज तो नहीं है तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आचार्य जी हम उसी वंशज हैं तो मैंने कहा क्या आप ऋषिद्यान की तात्या टोपे से मुलाकात हुई आपको बात मालूम है कि मैंने कहा नहीं तो मैंने उनको डॉक्टर भवानीलाल भारती जी का नंबर दिया कहा आप उनसे बातचीत कीजिए और इस इतिहास को जान करके रखिए कि आपके तात्या टोपे का के साथ मुलाकात हुई उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और देश की आजादी के स्वर संग्राम से ठीक दो वर्ष पहले का ये इतिहास है माताओं बहनों इसी क्रम में यदि हम चिंतन करते हैं तो वासुदेव वलवंत फड़के जिनका जन्म 4 नवंबर 1845 में हुआ और ये महान सेनानी सत्रह फरवरी को इनका बलिदान हुआ देश की आजादी के संघर्ष की लड़ाई में इस वीर ने जो संघर्ष किया है वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और इसी क्रम में एक महान सेना नायक देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले खुदीराम बोस जिनका जन्म तीन दिसंबर अठारह सो में, 1889 में हुआ और 11 अगस्त उन्नीस सौ आठ को इनका बलिदान हुआ और मुजफ्फर के किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था अब उसमें देश की क्रांतिकारियों के अंदर मुजफ्फरपुर का जो बड़ा प्रसिद्ध कांड है और किंग फोर्ड की बग्गी पर बम फेंकने के कारण इनको मृत्यु दंड मिला फांसी की सजा हुई ऐसे महान बलिदानी कन्हैया लाल दत्त जिनका जन्म इकतीस अगस्त अठारह और 10 नवंबर 1908 को इनका वीरगति को प्राप्त हुए ऐसे अंग्रेजों के मुखबिर की हत्या इन्होंने की थी ये एक बहुत बड़े इसी क्रम में हम और एक नाम देखते हैं सत्येंद्र नाथ बसु जिनका जन्म 30 जुलाई अठारह और 21 नवंबर 1908 को अंग्रेजों के मुखबिर की इन्होंने भी एक हत्या के रूप में कार्य किया था देश की आजादी की लड़ने वाले इन महान पुरुषों में एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है मदन लाल ढींगरा मदन लाल ढींगरा के इतिहास को हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती कुछ लोग मदन लाल ढींगरा के जीवन को पढ़ते हैं अनिल जी यह पुस्तक में दिखा रहा हूं देखिए ये मेरे हाथ में किताब है मदन लाल और उदुम सिंह की सॉरी गाथा लंदन में गोली ये मेरे पास एक पुस्तक है भारत की आजादी के ये पुस्तक दिखा रहे हैं तो ये सर परोसी की तमन्ना ये राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन चरित्र भी मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है और हम यदि इतिहास की पुस्तकों की बात करें तो हमारे घर में ये भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास की पुस्तकें होनी चाहिए यह महिला मणि संकीर्तनम है इसमें भारतीय नारियों के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है और इसी के साथ में यह पुस्तक है भारतीय महापुरुषों की जीवन की है यह भारतीय महापुरुषों का जीवन इसमें दर्शाया गया है और यह पुस्तक है देश के अमर सही तेजपाल सिंह धामा जी की लिखी हुई जो अभी मैं दिल्ली आया था तो तेजपाल तेजपाल सिंह धामा जी ने यह पुस्तक मुझे भेंट में दी है और ये पुस्तक और ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे ये जो मेरे हाथ में भारतीय देशभक्तों की कारावास की बलिदान की कहानी ये पुस्तकें मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि हमारे घरों के अंदर ये देशभक्तों की वीरों की पुस्तकें यदि है तो हम हम स्वयं पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ाने का अवसर दें इस पुस्तक को जो आप पढ़ेंगे इसमें जो चित्र दिए हैं और अनिल जी इस पुस्तक के प्रकाशन में मैंने भी दान राशि दी थी जब ये पुस्तक छपी है इसमें जिन दानदाताओं का नाम है उसमें एक नाम मेरा भी है ये ये हम अच्छे कार्य के लिए अपने धन का सदुपयोग भी करें तो ये जो पुस्तक है और ये पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है ये इंग्लिश में है हु इंडियन मार्टर्स ये इंग्लिश में पुस्तक है ये बच्चे यदि इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहें तो इस पुस्तक को जरूर पढ़े ये मैंने कुछ बातें इसलिए आपसे कही कि हमारे घर के अंदर साहित्य है तो हम वीरों का साहित्य पढ़ते हैं उनको जानते हैं समझते हैं माताओ बहनों इसी क्रम में एक नाम है अनंत लक्ष्मण कानारे इनका जन्म 1891 में हुआ और 19 अप्रैल 1910 को ये वीरगति को प्राप्त हुए जैक्सन नामक अंग्रेज के अधिकारी को उन्होंने गोली मारी थी और इसी क्रम में आगे देखें तो एक अमर शहीद हैं कृष्ण गोपाल कारवे इनका जन्म 1887 में हुआ और 19 अप्रैल 1910 को ये वीरगति को प्राप्त हुए उन्होंने भी जैक्सन नाम अंग्रेज अधिकारी को गोली मार करके शहीद करने का कार्य किया था इसी क्रम में हम भारतीय इतिहास के और वीर गाथाओं को देखें तो एक नाम है बंसीनाथन इनका जन्म अठारह में हुआ और 17 जून 1911 को ये वीरगति को प्राप्त हुए गोपाल कृष्ण गोखले बड़ा प्रसिद्ध नाम है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले 9 मई अठारह में जन्म हुआ और 19 फरवरी 1915 को और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये कहा जाता ऋषि ध्यान जी महाराज जब बंबई में गए थे तो ऋषि ध्यान जी महाराज ने जब आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल अठारह को बंबई में की थी और अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त के महीने में महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे महादेव गोविंद राणाडे उन्होंने स्वामी दयान जी को जब पुणे में बुलाया और वहां व्याख्यान हुए तो महर्षि आनंद के विचारों से प्रभावित हुए राष्ट्रभक्ति का भाव जगा महादेव गोविंद राणाडे के अंदर बंबई के अंदर जिंदरों में मैं था और एक बार में बंबई सीएसटी से जा रहा था तो मैंने देखा मुंबई कोर्ट के सामने महादेव गोविंद राणा की स्टेच्यू है वो वही महामानव जिन्होंने शीत की भावना जिनके जीवन में रही वो तप्रोत थी महादेव गोविंद का प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति पर गोपाल कृष्ण गोखले पर और गोपाल कृष्ण गोखले का प्रभाव पड़ा महात्मा गांधी पर तो आप देखिए इसलिए कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले पट्टावी सीतारमिया ने एक बार लिखी थी कि देश की आजादी के दिलाने में उन्नीस में जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसकी रूपरेखा तो उससे पहले गोकाल कृष्ण गोखले उससे पहले महादेव गोविंद नाथे उससे पहले ऋषि ध्यान का संदेश ये चला माताओं बहनों भारतीय इतिहास में यह बहुत बड़ी शौर्य गाथा है इस लंबे इतिहास को जानने की समझने की हमें आवश्यकता है अठारह से लेके उन्नीस तक का नब्बे वर्ष का जो इतिहास है ये नाइन ईयर्स की जो गाथा है उस गाथा को ये जानेंगे समझेंगे एक-एक वीर की विषय में जानेंगे तो जिसका शुभारंभ महर्षि ध्यान के साथ होता है जिसमें भारत के साधुओं का भारत के महान सेनानियों की जो हम गाथा पढ़ते हैं तो उसी में एक नाम आता है बाघा जतिन ये बाघा जतिन जिनका जन्म सात दिसंबर अठारह में हुआ 10 सितंबर 1915 को इनका वीर गति को प्राप्त हुए और में एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है इतिहास में हम बार बार पढ़ते हैं लाल बाल पाल लाल से लाला लाजपत राय बाल से बाल गंगाधर तिलक पाल से विपिन चंद्र पाल ये तीन महान नाम है जो भारतीय इतिहास में अमर है एक पंजाब से आते हैं लाला लाजपत राय एक महाराष्ट्र से आते हैं बाल गंगाधर तिलक और एक पाल आते हैं बंगाल की भूमि से भारत के अंदर चाहे बंगाल का क्षेत्र हो चाहे महाराष्ट्र की भूमि हो चाहे पंजाब का क्षेत्र हो चाहे भारत के मध्य का भाग हो सब जगह से एक साथ आजादी का संकनाद शुभारंभ हो गया था और इस शंखनाद में बाल गंगाधर तिलक को आज हम प्रणाम करने का अवसर है इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ और 1 अगस्त 1920 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसी क्रम में हम देखें अल्लूरी सीताराम राजू इनका बहुत बड़ा योगदान राम प्रसाद जिनकी सौर गाथा इतिहास में अंकित है ग्यारह जून अठारह को जन्म हुआ और नौ उन्नीस दिसंबर उन्नीस को काकोरी कांड बड़ा प्रसिद्ध है काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह कांड है जो राम प्रसाद बिस्मिल की गाथा और सौर प्रताप की सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है क्या भाव था क्या उनके अंदर प्रेरणा थी कैसी आजादी का जुनून था और वो जेल में रहते हुए फांसी के फंदे से चूमने से पहले क्या भाव था उनके जीवन में कैसे मातृभूमि के प्रति रग में देश की आजादी का सपना सजोया हुआ था आज राम प्रसाद बिस्मिल के साथ एक नाम है अशफाक इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को हुआ 19 उन्नी दिसंबर उन्नीस को अशफा उल्लाह शहीद हुए काकोरी कांड में ये सहभागी थे राम प्रसाद के साथ उसमें चाहे हमारे हिंदू समाज के लोग हों वैदिक धर्म के लोग हों या हमारे मुस्लिम भाई हों सबके रग रग में एक भावना थी अंग्रेजों से मुक्ति मिले हमारे गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाएं और श्री काम में रोशन सिंह जिन्होंने जिनका जन्म 22 जनवरी उन्नीस को हुआ और 19 दिसंबर को ये एक साथ शहीद हुए थे ये तीन नाम याद करने का दिन है राम प्रसाद अशफाक खान और रोशन सिंह इन तीनों को एक ही दिन 19 दिसंबर इनका जीवन का अंतिम दिन था उन, उन्नीस को काकुरी कांड और इसमें राजेंद्र लाहिड़ी एक नाम और है राजेंद्र लाहिड़ी इसी क्रम में 29 19 जून उन्नीस को पैदा हुए 17 दिसंबर 1927 को इनका जीवन समापन हुआ काकोरी कांड में ये भी शामिल थे लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ 17 नवंबर 1928 को इनका जीवन पूर्ण हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस गाथा को याद करने का अवसर है कौन याद भूल जाएगा नदी के तट पर अंग्रेजों की लाठिया खाते हुए जिसने वीर गति को प्राप्त किया था आज लाल लाजपत राय का नाम सामने आता है तो अंग्रेजों की लाठिया जब पड़ती थी तो लाल राजपत राय ने कहा था कि तुम्हारी एक एक लाठी हमारे भारत के नौजवानों में सौर्योग था भारत के नौजवानों में देशभक्ति का भाव का संचार करेगी आदर लाल लाल आदर हमारे कफन का एक-एक कील में नहीं जब हम याद करते हैं उनकी गाथा को याद करते हैं तो आज भी हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है ऐसा शौर्य ऐसा पराक्रम आर्य समाज की भावना जिनके रग-रग में समाई हुई थी देश की आजादी के लिए देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की जो भूमिका रही वो आज उसको स्मरण करने का अवसर है और उनमें से एक वीर सेनानी थे लाला लाजपत राय जी इसी क्रम में यतीन्द्र दास जिनका जन्म सत्ताईस अक्टूबर 1904 को हुआ और तेरा सितम्बर उन्नीस ये वीरगति को प्राप्त हुए इसी क्रम में ये देखते हैं तो भगवती चरण बोहरा ये ऐसे नाम हैं जो जिनको आज हम याद करें भगवती चरण बोहरा का जन्म 4 जुलाई 1904 को हुआ और ये 28 मई 1930 को वीरगति को प्राप्त हुए ये भारतीय इतिहास में ऐसे नाम हैं जिनको हम बार बार याद करते हैं बार बार उनका ध्यान करते हैं तो जिनके नामों से हमें प्रेरणा मिलती है और उन्हीं में एक नाम चंद्रशेखर आजाद और भाई अनिल जी ये प्रशंसा की बात न कहूं कि ये मेरे पूज्य पिताजी ने मेरा नाम भी इसी भावना के साथ रखा था चंद्रशेखर और मैं आपको खुशी की बात कहूं मेरी जो छोटी किताबें मैं देखता हूँ मेरे पास में सेकंड क्लास की थर्ड की फोर्थ की फिफ्थ की जो मेरी हैं उन सभी किताबों पे मैंने अपना नाम चंद्रशेखर नहीं आजाद 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 लिखा हुआ है आज मैं अपने बचपन की उन किताबों को खुद देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम इस भाव से रखा चंद्रशेखर आजाद की कोई ना कोई प्रेरणा कोई ना कोई संस्कार उनके अंदर रहा उन्होंने उसी भाव से ऐसा नाम रखा एक भाई का नाम ध्यानंद रखा एक का नाम अरविंद रखा अरविंद घोष के नाम से प्रेरणा थी तो पिताजी ने बच्चों के नाम भी इसी भाव से रखे कि हमारे बच्चों में संस्कार जगह देशभक्ति के भाव जगे सज्जनों इसी क्रम में भगत सिंह को जो हम याद करते हैं पंजाब की भूमि से भगत सिंह का जन्म अठारह अट्ठाईस सितंबर 1907 को और 23 मार्च उन्नीस को आठ अप्रैल उन्नीस में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था यह बम कांड की घटना भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है भगत सिंह चाहते तो बम फेंक करके भाग सकते थे उन्होंने भागना स्वीकार नहीं किया मातृभूमि की रक्षा के लिए भगत सिंह ने अपने प्राणों की जो आहुति दी अपने प्राणों का जो बलिदान दिया वो हमें स्मरण करने के लिए अवसर है ध्यान देने योग्य है माताओं बहनों उसी क्रम में सुखदेव 15 मई 1907 को जिनका जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 को एक ही दिन है ये अंकित करने की तारीख है जन्म की तारीख अलग है देखो भगत सिंह का जन्म हुआ अट्ठाईस सितंबर 1907 को और सुखदेव का जन्म हुआ था 15 मई 1907 को और शिवराम हरि राजगुरु का जन्म हुआ था 24 अगस्त 1908 को लेकिन इन तीनों महापुरुषों का दुनिया से जाने का दिन एक ही है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु 23 मार्च 1931 को दुनिया से एक साथ गए भारत की आजादी के लिए जन्म अलग अलग तारीखों में हुआ लेकिन दुनिया से जाने का दिन एक ही था आज क्या इन तीनों को तीन महापुरुषों को याद करें ये तीनों वीर इनकी वीरता इनका प्रणाम करने योग्य है ये चाहते तो तो अपने क्षमादान मांग सकते थे ये चाहते तो अपनी प्राणों की रक्षा के लिए क्षमा मांगते लेकिन नहीं ये ऐसी अस्मिता ऐसा राष्ट्र का भाव ऐसी राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान बार-बार जन्म लेंगे बार-बार मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का विसर्जन करेंगे कितना भाव था और इसी काम में प्रीतिलता बाद देर का एक नाम आता है पांच मई 1911 को जन्म हुआ और तेईस सितंबर 1932 को पहाड़ को पहाड़ताली यूरोपीय क्लब पर आक्रमण किया था और शी में एक नाम बड़ा है सूर्य ये नाम आज हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती सूर्यसेंद बाईस मार्च उन्नीस में और 12 जनवरी 1934 को इनका बलिदान हुआ और शीख काम एक नाम है वैकुंठ शुक्ला वैकुंठ शुक्ला का जन्म 1907 में हुआ और इनका बलिदान का समय है 14 मई 1934 और इसी क्रम एक नाम उदम सिंह बड़ा प्रसिद्ध नाम है इनका जन्म हुआ 26 दिसंबर 1899 में, और इनकी वीर गति का समय है इकतीस जुलाई 1940 क्या नाम है उदम सिंह और वीर भाई कोतवाल एक दिसंबर 1912 और 2 जनवरी 1943 में ये वीरगति को प्राप्त हुए इसी क्रम में भारतीय इतिहास के कुछ और वीरों को हम याद करें हेमू कालानी जिनका जन्म हुआ 23 मार्च 1923 को और वीरगति प्राप्त की 31 जनवरी 1943 को आगे इसी क्रम में कुशल कोवार जिनका जन्म हुआ 1905 को और 15 जून 1943 में अंतिम श्वास प्राप्त की और अब्दुल्ला सिंधी जिनका जन्म हुआ 10 मार्च अठारह में और 22 अगस्त 1944 को वीरगति को प्राप्त हुए राज बिहारी बोस भारतीय इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध नाम है और 25 मई अठारह में जन्म हुआ और 21 जर्मनी 1945 को आजाद हिंद फौज के एक बहुत बड़े सेनानी के रूप में सुभाष बोस के साथ कार्य ये बड़ा प्रसिद्ध नाम है और गणेश दामोदर सावरकर ये वो नाम है जो तीन भाइयों से जुड़ा हुआ है इनकी गाथा कुछ मैं अलग से भी सुनाऊंगा कि ये तेरा जून अठारह में जन्म हुआ 16 मार्च 1945 को ये वीर गति को प्राप्त हुए और भारतीय इतिहास में गणेश दामोदर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के भाई ये तीनों भाइयों का भारतीय इतिहासकर में सावरकर जो त्रय बंधु हैं कि आज इनको नमन करने इनको स्मरण करने का पावन अवसर है और अंबिका चक्रवर्ती इनका जन्म अठारह बानवे में हुआ 6 मार्च उन्नीस को ये भारत की स्वतंत्रता को इन्होंने साक्षात दर्शन किया महर्षि अरविंद घोष महर्षि अरविंद घोष वो नाम है जिनका जन्म 15 अगस्त अठारह में हुआ और 5 दिसंबर 1950 को देश की आजादी के पश्चात महर्षि अरविंद घोष वीर गति को प्राप्त हुए देश की आजादी में अपनी लेखनी के द्वारा अपने भावों के द्वारा अपने विचारों के द्वारा निरंतर प्रेरणा देने का महर्षि अरविंद घोष ने किया के प्रति भी बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए महर्षि अरविंद घोष ने और एक नाम है इसी क्रम में बटुकेश्वर दत्त जिनका जन्म हुआ अठारह नवम्बर उन्नीस को और बीस जुलाई उन्नीस में देश की आजादी के पश्चात इन्होंने देश को स्वतंत्र होते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ विनायक दामोदर सावरकर जिनका जन्म हुआ था 28 मई अठारह को और 26 फरवरी 1966 में स्वतंत्र वीर सावरकर ये बहुत प्रसिद्ध नाम है भारतीय क्रांतिकारी में काले पानी की सजा किस प्रकार से प्राप्त की कैसे कष्ट सहन किए और ये तीनों भाइयों का जो बलिदान है आज अंडमान निकोबार द्वीप की झेलों में से जो भाई बहन आजकल कभी अंडमान निकोबार जाए स्थान देखे काला पानी जिसे कहते थे और वो, उनको कितना कष्ट है है मैंने उस पर एक अलग से लेख लिखा है, ये पूरा का पूरा लेख भाई अनिल जी पूरा का पूरा लेख उसी संबंध में है और उस उसको जब हम मैं पढ़ रहा था कि गणेश पंत सावरकर विनायक सावरकर इनके एक भाई थे जिनका नाम था नारायण सावरकर इनके पिताजी का नाम था पावन ब्राह्मण दामोदर पंत सावरकर के ये तीनों पुत्र थे विनायक सावरकर वर्ष की इनको सजा हुई थी काले पानी की सजा और नारायण सावरकर इनके जो छोटे भाई थे मात्र बीस वर्ष के थे आप कल्पना तो करो मात्र बीस वर्ष की आयु में और इनको बम्बई के पास ठाणे के कारागृह में रखा गया और आपने उन्होंने कारागृह में रहते हुए जो अपनी जीवनी लिखी है उसमें लिखा है काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप में काटते हुए तेल पूरा करना होगा और रात में भी कोलू चलाना पड़ता था भोजन मिलता था सब्जी में मिट्टी के तेल का प्रयोग होता था और उन्होंने लिखा है कि सब्जी में सांप और कैचुरी भी आ जाती थी एक बार उन्होंने उस लेख में लिखा है अपनी जीवनी में कि एक बार सब्जी के अंदर सांप के टुकड़े मिले क्या कैचली मिली तो उन्होंने शिकायत की ये, ये सब्जी कैसे खाएं तो उन्होंने कहा तुम्हें तो खाना हो तो खाओ नहीं तो भूखे रहो जो बनाए वही खाना पड़ेगा मेरे पास ये पुस्तक है इसमें वो चित्र दिया है विनायक दावो सावरकर का कैसे कोलू को पिला जाता था कैसे तेल निकाला जाता था और उन्होंने एक दिन लिखा है कि मेरे बड़े भाई को जब पिला जा रहा था और वो बेहोश होकर के गिर गए थे उस समय अंग्रेज सिपाही ने जो हंटर बरसाए उनकी दशा खराब हो गई उठा नहीं जाता था जला नहीं जाता था और वहां एक हिंदू डॉक्टर था उस हिंदू डॉक्टर से देखा नहीं गया उस हिंदू डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए ले जाने लगा और एक जो वहां सफाई कर्मचारी था उससे कहा इनको लेकर के तुम हॉस्पिटल में आ जाओ और उस समय जेल का जो सुपरिटेंडेंट अंग्रेज था वो रास्ते में मिल गया उसने कहा इनको कहा लेके जा रहे हैं इनको डॉक्टर साहब ने बुलाया इनकी दशा ठीक थी या मैं इस जेल का मालिक हूं तुम तो उसको नहीं ले जा सकते और उसने लात मार करके गिरा दिया और द्वारा कोठी में आके बंद कर दिया आप कल्पना कर तो करो आज आपका हमारा रोग रोग काप जाएगा इतिहास की गाथाओं को सुनकर के ने इतने कष्ट सहन किए दब हमें यह आजादी मिली है आज हम जिस आजादी का भोग कर रहे हैं, जिस पर हम करते हैं, इसके पीछे कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है कितना विषम कष्ट सहन किया है उस कष्ट की कोई सीमा नहीं है वो कष्ट इतने हैं जिनका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं जिनको याद कर करके जिनको स्मरण कर करके यक दामोदर को कर सावर करके जीवन में आता है उनको खड़े करके दीवार के साथ ऐसे हाथ खड़े कर दिए और बांध दिए गए खड़े रहो कितने कष्ट बहनों अपने इन वीर सेनानियों को जब हम याद करते हैं और इसी क्रम में हम देखें योगेश चंद्र चट्टोपाध्याय जिनका जन्म अठारह सो में हुआ और देश की आजादी के पश्चात अठारह सो उन्नीस में जिनका जीवन पूर्ण हुआ ऐसे ही एक नाम है जिनका जन्म 25 दिसंबर 1904 को हुआ और 23 दिसंबर उन्नीस को जिनका जीवन पूर्ण हुआ काकुरी कांड में थे एक नाम अनंत सिंह का प्राप्त होता है जिनका जन्म 1 दिसंबर 1903 को हुआ और 25 जनवरी 19 79 में चटगांव विद्रोह के अंदर इनका नाम आता है और इसी क्रम में दुर्गावती देवी दुर्गा भावी बड़ा प्रसिद्ध नाम है जिनका जन्म सात अक्टूबर 1907 को हुआ और पंद्रह अक्टूबर 1999 में हिमालयन टॉयलेट्स नामक बम कारखाने की संचालिका थी मनमतनाथ गुप्त एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है जो 7 फरवरी 1908 को और छत्तीस छब्बीस अक्टूबर 2000 में काकोरी कांड में इनका नाम है इसके साथ आप चापेकर तय ये चापेकर बंधुत्र आजादी को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जो भयंकर षड्यंत्र किए थे उसके पश्चात सर्वपथर में अठारह सौ में पूना में प्लेग फैला तो वहां एक अंग्रेज था मिस्टर रेंड, उसने प्लेग के नाम पर पुणे के अंदर अत्याचार किए जनमानस को घरों घरों में जा जा करके रोंदने का काम किया तो यह दामोदर चापेकर बालकृष्ण चापे ने को और और लेफ्टिनेंट को को मार डाला और उसमें इन दोनों भाइयों पकड़वाने के लिए गणेश शंकर द्रविड़ ने बीस हजार रुपए के लालच में इनको पता बता दिया तो इनके तीसरे भाई थे जिनका नाम था वासुदेव चापेकर उन्होंने उस गणेश शंकर को जो मुखबिर था जिसने इनको वेद बताया था उसको मार दिया तो ये तीनों भाई दामोदर चापेकर बालकृष्ण चापेकर और तीसरे भाई भाईदेव चापेकर ये तीनों के नाम भारतीय इतिहास में एक कल्पना करो एक ही पुता के तीनों पुत्र तीनों के तीनों पुत्रों ने देश की आजादी के लिए काम किया और इसी प्रकार से ये तीनों भाई थे सावरकर बंधु भी गणेश पंत सावरकर विनायक सावरकर और नारायण सावरकर इन तीनों भाइयों का योगदान भी बड़ा प्रसिद्ध है और ये बार बार याद करने का अवसर है और उसी क्रम में अलीपुर षयंत्र जो हुआ था उसमें चौंतीस आदमी पकड़े गए थे उस अलीपुर षयंत्र की भी जब उन सुधा सेनानियों को याद करते हैं तो उनमें कन्हाईलाल सत्यन्द्र नाथ चाकी और इन्होंने नरेंद्र गोसाई ने मुखबिर करके उनको षड्यंत्र किया था तो वारिंद्र घोष और उल्लासकर दत्त इतिहास में जिनको आज स्मरण करने का पावन अवसर है इन सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी जिसे मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को जो कांटों के पथ पर आया है फूलों का उपहार उसी को जब तक रग में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है जब तक रग में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है भारत की आजादी को हम गुमनाम नहीं होने देंगे भारत की आजादी को हम गुमनाम नहीं होने देंगे जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं जिसमें गौरव तथा देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है यह हमारे देश की आजादी का इतिहास है इस इतिहास को जो हम पढ़ते हैं उनको याद करते हैं और पंजाब के अंदर एक दो नाम और बड़े प्र... एक करतार सिंह जिनका जन्म अठारह तो में लुधियाना के सराबा गांव में हुआ एक नाम है बलवंत सिंह जिनका जन्म तो में जालंधर के गांव में हुआ था ये दो ऐसे सेनानी जिन्होंने भारतीय इतिहास में अमेरिका तक जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना रची और अपने भारत माता की सेवा के लिए भारत माता के अस्मिताओं के लिए अपने प्राणों की आहुति दी दिल्ली केस के चार शहीद हैं आप भाई अनिल जी दिल्ली में बैठे हैं दिल्ली केस के उन चार शहीदों को जब हम नाम याद करते हैं उनमें एक नाम है भाई तो अफीषगंज गुरुद्वारा है उसके सामने एक मतीदास चौक है कितनी बार दिल्ली में रहते हुए वहां हम लोगों को जाने का अवसर मिला है मतीदास चौक का जब इतिहास सामने आता है तो गुरु तेग बहादुर को और ने जब मारने का सुनेंट किया था और उसी समय गुरु टेक बहादुर के समय भाई मतीदास को आरे से चिरवा दिया था तब इनके परिवार के साथ भाई शब्द जुड़ गया मतीदास के बलिदान के साथ इसी परिवार में जन्म हुआ था भाई परमानंद का और परमानंद जी के चाचा के लड़के थे भाई बालमुकुंद ये इतिहास याद करने का अवसर है भाई परमानंद ऋषिद्या के परम भक्त थे एक बार का वर्णन आता है भाई अनिल जी के भाई परमानंद के पास कुछ क्रांतिकारी आए तो वो पुस्तक पढ़ रहे थे भाई परमानंद जी तो क्रांतिकारी ने पूछा कि आपको ये प्रेरणा देश की आजादी की आजादी कहां से मिलती है तो उन्होंने ऋषि के उस पुस्तक को दिखाते हुए कहा यह सत्यात प्रकाश है जिसमे ऋषि ने देशभक्ति का स्वाधीनता का बाल ये संदेश दिया और ये कहा विदेशी राजा चाहे कितना भी अच्छा क्यों हो और फिर भी वो हमारे लिए हित नहीं हो सकता कल्याणकारी नहीं हो सकता हमें अपने देश के स्वाभिमान की बात इसलिए आर्य समाज के ऋषि का संदेश आज हमारे सबके जीवन में है राष्ट्र पहले है राष्ट्र धर्म पहले है राष्ट्र का भाव पहले है राष्ट्र का सम्मान पहले है राष्ट्र का गौरव पहले है राष्ट्र की अस्मिता पहले है राष्ट्रवीरों का स्वाभिमान का संदेश आर समाज के लोगों के रग रग में समाया हुआ है ये राष्ट्रभक्ति की भावना आज आपके हम सबके जीवन में है ऋषि का प्रेरणा है और ऋषि का परिणाम है कि भाई मास्टर जी दिल्ली केस के दूसरे बहुत बड़े व्यक्ति थे मास्टर अमीर चंद जी इनका जीवन जब पढ़ने को हम पढ़ते हैं तो देखते हैं बड़े शिक्षाविद थे और इन्होंने उसमें काम किया एक तीसरा नाम है अवध बिहारी और अवध बिहारी के साथ एक चौथा नाम है बसंत कुमार विश्वास इन चार सेनानियों ने दिल्ली केस के अंदर अपने प्राणों का बलिदान दिया इसी मुजफ्फरपुर बम कांड के जो दो शहीद थे उनकी चर्चा खुदीराम बोस के संबंध में तो मैंने कहा ही एक नाम और है प्रफुल्ल कुमार चाकी आप देखो समय की सीमा है लेकिन धारा यदि चिंतन करते जाएं तो मेरे पास तो अनिल जी इतना यह बड़ा मैंने संकलन किया है इतने नामों को मैंने जोड़ने का कोशिश एक एक दिन दिन और और कराएंगे इस विषय पे लेकिन एक बात मैं ग्वालियर की कह के अपनी वाणी को विराम जरूर दूंगा ग्वालियर के अंदर अभी कुछ समय पूर्व एक रामबाबू कटारे जी है रामबाबू कटारे जी ने अपने पूज्य पिताजी का वरिदान सड़सठवीं पुण्यतिथि मनाई और उसमें ग्वालियर के हमारे सांसद और भी दूसरे ग्वालियर के गणमान्य लोग रहे मुझे मुख्य वक्ता के रूप में रखा तो मैंने उनसे पूछा आपके पिताजी का तो तब मुझे पता लगा उनके पिताजी जी कटारे देश की आजादी के लिए संघर्ष में 1931, 1932 1933 इन तीन वर्षों में देश की आजादी के लिए ग्वालियर के उन बाल कृष्ण कटारे जी ने संघर्ष किया अमृतसर के रहने वाले रोशनलाल मेहरा जी थे उन्होंने आगरा से शंभुनाथ आजाद जी को ग्वालियर भेजा और यह कहा कि उत्तर भारत में तो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी हो रही है मद्रास के अंदर, के अंदर अंदर दक्षिण भारत जो का जो का का रेजिमेंट सर्वोच्च अधिकारी है उसको मारने का षड्य रचा गया तो उसके लिए क्रांतिकारियों की एक बैठक बाल कृष्ण कटारे जी के घर में शिंदे की छावनी कमल सिंह के बाग में हुई भाई अनिल जी आप ग्वालियर आएंगे तो मैं आपको उनके पुत्र राम बाबू कटारे जी से भी मिला दूंगा और वो राम बाबू कटारे जी आज हैं जीवित हैं और वो उनको प्रसन्नता होगी उनको जानकर आपको ये प्रसन्नता होगी कि उन्होंने साड़ियों अब वो व्यापार था तो यहाँ से क्रांतिकारियों को रिवॉल्वर भेजने के लिए उन्होंने साड़ियों के बक्से में रिवॉल्वर छिपा छिपा करके यहाँ से मद्रास भेजने का कार्य किया और जिससे अंग्रेज अधिकारी को दंड दिया जाए तो ये ऐसे शहीद कि बाल कृष्ण कटारे के और भी उनके अभी पुण्यतिथि मनाई गई तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ थोड़ी गुजरात की भूमि की एक बात कह दू फिर आगे वाले क्रम में आपको जरूर रखना आज जब हम इस क्रम को जब मैं देखता हूँ तो आप एक क्रम देखिए कि स्वामी दयानंद का जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 में गुजरात की भूमि से भारत की स्वतंत्रता का संग्राम प्रारंभ करने वाले ऋषि महाराज 1855 की इतिहास गाथा मैंने आपको बताई और उसी क्रम में एक दिव्य आत्मा जन्म हुआ श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ 4 अक्टूबर अठारह में यह गुजरात की भूमि पर आए अब देखो स्वामी दयानंद का जन्म होता है अठारह में एटीन में और श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हो रहा है 4 अक्टूबर 1857 1857 में और श्यामजी कृष्ण वर्मा को संस्कृत सीखने के प्रति संस्कृत का अनुराग राष्ट्रभक्ति का भाव ऋषि दानी ने प्रेरणा दी और बंबई के अंदर जब ऋषि दंत के साथ उनकी मुलाकात हुई तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के प्रोफेसर मोनियर विलियम्स जब भारत आए तो वो उनके साथ उनका परिचय हुआ और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के संस्कृत के एक सहायक अध्यापक बने कार्य करते रहे विदेशों में रह करके अपने देश के के की की के लिए 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 इंडियन सोसाइटी अपना की की भारत आजादी काम किया और आज कृष्ण वर्मा गुजरात के जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो उन दिनों में बंबई में था एक विशाल कार्यक्रम हुआ जब उनके अस्थिया वहां से मनाई गई और मुंबई एयरपोर्ट से वो अस्थिया आई और उस कार्यक्रम में श्याम जी कृष्ण वर्मा ऋषि के परम भक्त थे ऋषि के साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ उनको स्मरण करने के लिए बहुत स्थान वहां बनाया गया गुजरात में इसी क्रम में एक तीसरा नाम यदि देखें तो गांधी जी का जन्म हुआ दो अक्टूबर अठारह सो 1869 में अब देखो कैसा क्रम है ऋषि दयानंद अठारह श्याम जी कृष्ण वर्मा एटीन महात्मा गांधी जी दो अक्टूबर 1869 सिक्सटी नाइन और इसी क्रम में वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात की भूमि से आने वाले एक महान सेना नायक इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 सो पचहत्तर ऋषि जब आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में कर रहे थे तो उसी वर्ष के अंदर 1875 में एक दिव्य आत्मा गुजरात में जन्म ले रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में आप देखो कैसे कैसे महान पुरुषों का किस कालखंड में अवतरण हुआ और उन्होंने देश की रियासतों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया आज उनकी जो स्टेच्यू इतनी विशाल बनाई गई है सरदार पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो भारत माता की सेवा की भारत की सारे रजवाड़ों को जोड़ करके भारत की एकता अखंडता का जो महान कार्य किया ये महान कार्य सदा युगों युगों तक याद रहेगा सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को हमेशा याद किया जाएगा और इसी क्रम में यदि हम और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो भारत के एक प्रधानमंत्री गुजरात की भूमि से आए उन्नीस फरवरी अठारह में जिनका जन्म हुआ मोरारजी देसाई मुरारजी देसाई का वह नाम है जिन्होंने भारत के लिए इस स्वतंत्रता के लिए देश के लिए काम करने वाले लोगों में रहे और इसी क्रम में यदि आप देखें तो अंतिम बात कहते भाड़ी को विराम दे रहा हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ देश की आजादी के बाद लेकिन अनिल जी अठारह से लेके उन्नीस तक देश की आजादी के पश्चात जन्म लेने वाले इस दिव्य आत्मा ने जो आज प्रधानमंत्री हैं भारत की एकता अखंडता का जो वरदान को मिला है उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं मैं इस साथ में एक बात कहना चाहता हूँ बंदे मातरम रामचंद्र राव भी एक ऐसे क्रांतिकारी थे आर्य समाज के क्षेत्र में प्रकाश वीर शास्त्री हो और एक पुस्तक मेरे पास है कि आर्य समाज के बीस बीस बलिदानी ये पुस्तक भी पढ़ने योग्य है जब आप आर्य समाज के उस, उन अगले क्रम में आप प्रवचन रखेंगे तो फिर मैं उनकी चर्चा विस्तार के साथ करूंगा और फिर इनके जन्म विस्तार से और भी आपको चर्चा बताएंगे तो आज के व्याख्यान का समय था एक निश्चित सीमा है शब्दों के के साथ आज के इन जिनका हमने चिंतन किया है अपने मन प्रेरणा लेकर के चले कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म पहले है राष्ट्र का स्वाभिमान पहले है राष्ट्र का सम्मान हमारे लिए पहले है राष्ट्र देवो भव हमारे यहाँ ऋषियों ने एक नारा दिया था मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव तो आज एक नारा हमें बुलंद करने का समय आ गया है राष्ट्र देवो भव राष्ट्र को देवता के रूप में मानो राष्ट्र की पूजा और अस्मता सम्मान करें और इस कार्य के लिए केंद्रीय आयोग परिषद हमेशा तत्पर रहती है राष्ट्र के सम्मान और रक्षा के लिए भाई अनिल जी सदा तत्पर रहते हैं इन शब्दों के साथ सबका धन्यवाद ओम शांति 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 बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी आप उन्नीस के आसपास डी स्कूल में अध्यापक लगे केंद्रीय औषध के शिविर में प्रिंसिपल कोहली जी के आह्वान पर गुरु आश्रम पधारे बहुत अच्छी सेवा और कार्यकर्ता रहे अध्याप के विषय पे तो आपका प्रवचन सुनते रहे लेकिन आपने आज एक वजस्वी रूप भी दिखाया मनीषी जी की तरह तो आपका स्वागत में अभिनंदन इसी क्रम के अंदर भाग दो जनवरी के बैबनौर में फिर आपका कार्यक्रम रखेंगे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। मजाज जिंदगी का कुछ वही जानते हैं मजाज जिंदगी का कुछ वही जानते हैं जो मौतों को जिंदगी जानते हैं नहीं जानते कि अंजाम क्या है मरना बहस जिंदगी जानती है तो शहीदों को नमन अशोक गुगलानी जी को देख रहा हूँ एक गीत हो जाए फिर आज के अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौहान जी फिर गहे जी और एक दो भजन सात बजे ठीक शांति पाठ करेंगे अगला व्यवहार अगला व्यवहार हाँ जी आओ अशोक जी स्वागत है नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते और सभी वेबिनार से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा सागर नमस्ते और बच्चों नमस्ते। को बहुत बहुत प्यार लीजिए प्रस्तुत है एक आ, शहीद भगत याद करते हुए एक गीत नमस्ते जी नमस्ते जी भाई साहब नमस्ते कमलांश बोल रही हूँ ओ मेरा रंग दे रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए दे बसंती चोला ओ मेरा रंग बसंती चोला ओए रंग दे बसंती च माए रंग दे बसंती चोला <coughs> जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई उसकी आन पे आज उसी को पहन के निकला पहन के निकला आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का तोला मेरा रंग दे बसंती चोला ओ मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला <coughs> दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है एक बार इस देश पर मरना सौ के समान है देख कबीरों की कुरबानिया देख कबीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला मेरा रंग दे बसंती जो डोला ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गुकलानी जी अब मैं आज के अध्यक्ष आर एस विस्तार बदरपुर नई दिल्ली के प्रधान आदरणीय भाई गजेंद्र सिंह चौहान से प्रार्थना करूंगा अपना उद्बोधन मार्गदर्शन शहीदों को श्रद्धांजलि उसके बाद दो दिन की तौर सात बजे तक कार्यक्रम चलेगा आइए माता जी धैर्य रखिए जरूरी नहीं रखिये हर ओर हरे का वजन रखिए जी अनिल आवाज, आवाज आ रही है फोटो भी आ रही है बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए और मैं अभी जो सुन रहा था शर्मा जी को वो तो वास्तव में कई बार वो भावुक हुए हैं ये हमारा इतिहास जो है ये बहुत थोड़े से समय में बताया जा सके इतना इतना इतिहास नहीं है हमारा इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है और वो स्वतंत्रता का इतिहास है बहुत लंबा बहुत बड़ा इतिहास है कह देना गुलामी एक बहुत छोटा शब्द है गुलामी जिसने झेली होगी जिन लोगों ने गुलामी को झेला होगा जब वो सुनते हैं उनकी बात जब पता लगती है तब पता लगता है वास्तव में गुलामी क्या चीज होती है गुलामी शब्द छोटा दिखाई देता है लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो एक गुलामी बहुत क्रूर शब्द है बहुत क्रूरता होती है उस गुलामी में जिन लोगों ने गुलामी झेली है उनकी बात जब सुनते हैं तब पता लगता है शास्त्री जी ने कुछ नाम बताए हैं बहुत नाम बताए हैं और ये बहुत कम नाम हैं इस स्वतंत्रता में सात लाख बत्तीस हजार लोगों ने अपना बलिदान दिया है जो अंग्रेजों के रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड और कितने रहे होंगे जिनका नाम ही नहीं आया होगा जो जिन बलिदान जिनका हो गया पता ही नहीं है कौन कितने यहाँ कहाँ से आए और कहाँ चले गए होंगे तब हमें जाके ये आज आजादी मिली है और इस आजादी को भी आज हम अक्षुण रख पाएंगे क्या ऐसा आज की स्थिति देख के लगता है कि अगर हम आर्य समाज जागृत नहीं हुआ अगर आर्य समाज पूरे तरीके से जागरण में नहीं आया तो हम अपनी आजादी को अक्षुण रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे आर्य समाज का बहुत बड़ा काम है मैं कई बार कहा करता हूं एक बार मैंने दिल्ली सभा की बैठक में भी कहा था एक बहुत बड़ी गलती हुई है आर्य समाज से और उस गलती की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आजादी हमने दिलाई पिचासी फीसद स्वामी दयानंद और आर्य समाज से प्रेरित लोगों ने अपना बलिदान दिया है और डकैतों से देश को छीन के चोरों के हवाले कर दिया अगर आर्य समाज ने इस देश की सत्ता में इस देश की सरकार में अपनी भूमिका निभाई होती तो जो इस देश में खामियां हैं वो खामियां बिल्कुल भी नहीं होती ना ही ये देश धर्मनिरपेक्ष होता ना ही ये गौ हत्या जो हो रही है ये होता और ना ही जो इतना मुस्लिम बढ़े हुए हैं इस देश में इतना मनोबल बढ़ा हुआ है ये इतना सब कुछ हुआ होता ये आर्य समाज की एक छोटी सी गलती हमने राजनीति को अपने हाथ में नहीं लिया आज हम उसके लिए बहुत पीछे हो गए हैं आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमसे पचास साल छोटा है और आज पूरे भारत वर्ष के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अधिकार है आधिपत्य है हमारी ताकत नहीं है कि हम एक भी एम पी अपनी ताकत पर जिता सकें और जब तक हमारे अपने एम पी एमएलए विधानसभा लोकसभा में आधिपत्य नहीं होगा हम कितना ही समाज सेवा कर लें हम कुछ भी कर लें उसका वो परिणाम नहीं निकलने वाला है जो असली में आना चाहिए था शास्त्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई लेकिन बहुत कुछ बताने के बाद भी मुझे लगता बहुत कुछ छूट गया है बहुत कुछ पीछे बाकी है ये छोटा इतिहास नहीं है इसको छोटी थोड़ी सी देर में बता पाना असंभव काम है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर शास्त्री जी का आपने बहुत कुछ बताया बहुत कुछ छूट गया और बताते बताते कई बार आपका दिल भावुक हुआ वास्तविकता यह है कि हम जब उन क्रांतिकारियों के इतिहास को पढ़ते हैं तो वास्तव में हमारा दिल भावुक होता है और होना चाहिए देश से प्रेम करने वाले लोगों को अगर भावुक न हुआ तो वो देश प्रेमी हो ही नहीं सकते आप सच्चे देश प्रेमी हैं और अनिल जी हमारे तत्पर लगे रहते हैं काम में मैं अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता कुछ बातें आपको रखी जो ठीक लगी हो वो अपने पास रखे जो ना ठीक लगी हो वो मुझे मेरी वापस कर दें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त पर पड़ा जब वक्त गुलशन पर पड़ा तो लहू हबरे दिया अब बाहर आई तो कहते तेरा क्या काम है बहुत सुंदर और दो तीन का धन्यवाद गीत समय हमारे पास तक रेणु जी विजय खुल्लर जी रचना वर्मा जी अमृतसर से शहीदों की धरती एक गीत वहां हो जाए मृदुल अग्रवाल जी भी हैं नितेश गोट जी भी हैं ईश्वर देवी जी भी हैं प्रतिभा कटारी जी भी हैं आइए जी बारी बारी से मेरा आज का वजन जो है वो वीरांगनाओं को समर्पित है भारत में हमेशा से मातृशक्ति ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है तो मेरा एक भाए, भाए, भाए। हम भारत वर्ष की देवियां हैं हम भारत वर्ष की देवियां हैं सभ्यता शान कहती हैं हम भारतवर्ष की देवियां हैं सभ्यता की शान कहाती हैं जब देश पे विपदा आती है हम रानी झांसी बन जाती हैं जब देश पे विपदा आती है हम रानी झांसी बन जाती हैं जब देश पे विपदा आती है हम दुर्गावती बन जाती हैं हम भारतवर्ष की देवियां हैं सभ्यता की शान कहती हैं पूछो मेवाड़ के वीरों से कई बार लड़ी हम तीरों से पूछो मे वाड़ के वीरों से कई बार लड़ी हम तीरों से कभी फूलों पर कभी शूलों पर कभी चिता पे सेज सजाती हैं हम भारत वर्ष की देवियां हैं सभ्यता की शान कहाती हैं अहिल्या रजिया बन कर के शासन भी खूब चलाती हैं, अहिल्या रजिया बन कर के शासन भी खूब चलाती हैं मीरा के रूप में भक्ति का मार्ग दर्शन कर जाती हैं। मार्ग दर्शन कर जाती हैं हम भारत वर्ष की देवी हैं सभ्यता की शान कहती हैं सीता सावित्री गारगी अहिल्या अंगिरा बन जाती हैं सीता सावित्री गारगी अहिल्या अंगिरा बन जाती हैं दाल सरानी बन कर के आदर्श संतान बनाती हैं भारत की शान कहती हैं हम भारत वर्ष की देवियां हैं सभ्यता की शान कहती हैं जब देश पे विपदा आती है हम तीर तलवार बन जाती हैं सभ्यता की शान कहाती धन्यवाद जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अमृतसर से अब प्रतिभा कटारे जाएंगे आदरणीय अनिल आर्य जी आचार्य जी सभी अतिथिगण पूजा के योग्य मातृशक्ति भद्रजन, विग्रजन तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते आज आज रामप्रसाद बिस्मिल के शहीदी दिवस के उपलक्ष में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ ऐ शहीदे वतन शहादत है लासानी तेरी ऐ शहीदे वतन शहादत है लासानी तेरी वतन के काम आई है जवानी तेरी वतन के काम आई है जवानी तेरी कौम को भी रहनुमाई देगी, देगी कहानी तेरी कौन को भी रहनुमाई देगी कहानी तेरी सुनहरी अक्षरों में लिखी है कहानी तेरी सुनहरी अक्षरों में लिखी है कहानी तेरी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे आधार स्तंभ हैं क्रांति युग के जिनके कारण आज भी इतिहास अपने आप में गौरवान्वित अनुभव करता है ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी दादी ने लोगों के घरों में चक्की का आटा पीस पीस कर अपने परिवार का भरण पोषण किया निर्धनता इतनी थी कि दोनों समय का भोजन भी खा पाना कठिन था पिताजी बलिष्ठ थे शारीरिक रूप से परंतु व्यक्तित्व अच्छा होने के बाद भी पराधीन भारत में भारतीयों का कोई विश्वास नहीं करता था इसलिए उन्हें कड़ी इसलिए उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती थी इसी बीच मेरा संपर्क गुरुदेव स्वामी सोमदेव जी से हुआ और मैं सच्चाई के मार्ग पर चलने को उद्यत हुआ कालांतर में मेरी देशभक्ति की भावनाएं प्रादुभ हुई और महर्षि दयानंद और आर्य समाज की भावनाओं से मैं इतना प्रभावित हुआ कि एक दिन पिताजी ने कहा तू आर्य समाज में नहीं जाएगा मैंने क्रोध में आकर पिताजी के चरण स्पर्श किए और कहा पिताजी मैं घर छोड़ सकता हूँ परंतु आर्य समाज को नहीं जिसने मुझे देशभक्ति का पाठ पढ़ाया बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। दिलावर मर्द का सब लोग लोहा मान लेते हैं दिलावर मर्द का सब लोग लोहा मान लेते हैं मगर कमजोर बुजदिल का पकड़ सब कान लेते हैं मगर कमजोर बुजदिल का पकड़ सब कान लेते हैं mm. बिस्मिल के मित्र अशफाक उल्ला खान जो उन्हीं की तरह दृढ़ रूप में देशभक्त थे राष्ट्र भक्ति के लिए और राष्ट्रीय भावनाओं की पूर्ति के लिए क्रांति की इच्छाओं की संपूर्णता के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काकोरी कांड के रूप में रेल डकैती डाली और उससे प्राप्त धन को राष्ट्रभक्ति के लिए शस्त्र अस्त्रों की खरीद में प्रयोग किया। रेल डकैती के कारण उन्हें मित्रों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया जेल में रहकर भी बिस्मिल शांति से नहीं बैठे और राष्ट्रीयता के लिए अपनी फौज तैयार करते रहे अकेले बिस्मिल का ही योगदान नहीं था आजादी की लड़ाई में अपितु उनकी बहन शास्त्री देवी का भी पूर्ण योगदान रहा इतिहास के पृष्ठों में यदा कदा परिवर्तन होता रहा है बिस्मिल एक मित्र भक्त गुरु भक्त राष्ट्र भक्त मातृभक्त और पितृभक्त वीर पुरुष थे उनके अंदर राष्ट्र भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी अशफाक उल्ला खान का साथ अंत तक भी भक्ति के साथ निभाया और उसका साथ छोड़ा नहीं राष्ट्र भक्ति के लिए दोनों मित्रों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत माँ की जय जयकार कह कर अमर बलिदानी अपनी शहादत दे गए रामप्रसाद बिस्मिल उच्च कोटि के वीर राष्ट्र भक्त चरित्रवान और सदाचारी पुरुष थे अंत में भारत के देशभक्तों को छोटा सा संदेश देते हुए कुछ पंक्तियां सम्रांगन में उतर पड़े तो फिर पीछे पग धरना क्या रे सम्रांगन में उतर पड़े तो फिर पीछे पग धरना क्या रे उखल में जब शीश दे दिया मुसल से फिर डरना क्या रे उखल में जब शीश दे दिया मुसल से फिर डरना क्या रे करम जगत, कर अच्छा। जगत में करते करते तिल तिल कटकर मरना अच्छा करम जगत में करते करते तिल तिल कटकर मरना अच्छा कीड़े और मकोड़ों सदृश घर में सड़कर मरना क्या रे कीड़े और मकोड़ो से दृश्य घर में सड़कर मरना क्या रे उगा खिल उठे कमल उगा सूर्य खिल उठे कमल तू भी उठ आगे के सुदले तू भी उठ आगे के सुदले बीते सुंदर स्वपन याद कर ठंडी आहे भरना क्या रे बीते सुंदर स्वप्न याद कर ठंडी भरना क्या रे अंत में नारा स्वामी का तो करवट बदला हिंदुस्तान नारा स्वामी का गूंजा तो करवट बदला हिंदुस्तान नारी जाति के महारक्षक थे दयानंद सरस्वती महान नारी जाति के महारक्षक थे दयानंद सरस्वती महान भी हैं हम पति देश के देश की रक्षा चाहते हैं यदि भी है हम पति राष्ट्र के राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं राष्ट्र की रक्षा हेतु हम सर्वस्व समर्पण चाहते हैं राष्ट्र की रक्षा हेतु हम सर्वस्व समर्पण चाहते हैं धन्यवाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी डॉक्टर रचना चावला जी जोड़ी उन्होंने से सुनाएगी कुछ डॉक्टर रचना चावला जी रेखा गौतम जी इशार से रेखा गौतम जी इशार से जी सबको साधन नमस्ते आइए जी आज का अंतिम गीत जी आइए देशभक्ति का एक सुंदर गीत सुन ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे ए मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिसमोस निकल के खून कहे हाय मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहलावा इतनी सी है दिल की आर जू भरे खलिहान मेरे झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आर जू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आर जू घड़ी भर नमना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू तेरी मिट्टी में मिल जा गुल खिल जा। इतनी सी है दिल की आरजू केसरी जी धन्यवाद आर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद एक जी सात बजे जा रहे हैं पूरे जो रह गए उनसे क्षमा प्रार्थी उनको को अगले बार मौका देंगे समय की सीमा है होने पांच बैठ गए थे हम लोग अब मैं प्रवीण जी से प्रार्थना करूंगा धन्यवाद और शांति पाठ बहुत सुंदर आज का ये आयोजन मन गदगद गद हो गया देशभक्ति से ओतप्रोत यह कार्यक्रम सदा प्रेरणा देता रहेगा और ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आदरणीय अनिल आर्य जी को जो ऐसे सुंदर आयोजन हमेशा करते रहते हैं मैं देखता हूँ जितने भी कार्यक्रम हुए हर एक का शीर्षक अलग हर एक का शीर्षक अलग ऐसा नहीं कि कभी पुनरोक्ति हुई हो हु। मन सुन के प्रसन्न हो गया और ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं साधुवाद के पात्र है डॉक्टर अनिल लारे जी और आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर आयोजनों की सूचना मिले आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और इस लिंक को अपने इष्ट मित्रों को साथियों को भेजें ताकि वो भी धर्म लाभ उठा सके देश के प्रति उनके मन में भी श्रद्धा हो सके क्योंकि विभिन्न आयोजन होते हैं कोई कभी योगा का होता है कभी धर्म की चर्चा होती है परमानंद की और कभी देशभक्ति यानी विभिन्न प्रकार की वेराइटिया विभिन्न प्रकार के ज्ञान जितने भी होने चाहिए वेदों में वो हमें यहाँ पर एक एक करके मिलते जा रहे हैं और सच मानो विचारों में कितनी शक्ति होती है महाभारत के युद्ध में आपने देखा कि अपने रिश्तेदारों को चाचा मामा ताऊ को देखकर अर्जुन ने हथियार रख दिए तो श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं करा कि उसके रिवाल्वर रख दी हो कि भाई लड़ नहीं तो मारूंगा गोली नहीं उन्होंने ऐसे सुंदर विचार दिए कि उन विचार वो उसको भागवत गीता में लिखा है ना वो ऐसे सुंदर विचारों को सुनकर लड़ा ही नहीं बल्कि जीत भी पांडवों की हुई। तो विचारों में इतनी शक्ति होती है, और इन कार्यक्रमों के के माध्यम से हम लोगों के बीच अपने विचारों को तो व्यक्त करते हैं ताकि लोगों का जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो जाए पता नहीं कब किसके मुख से निकले हुए वचन दोनों कानों के माध्यम से हृदय अंतराल में उतर कर कब जीवन को परिवर्तित कर दे कोई पता नहीं तो ऐसे सुंदर सत्संग में के लिए सभी का बहुत बहुत आभार <coughs> शांति पाठ के साथ संपन्न ओम देव शांति रंत शां। शांति पृथ्वी शांति रापा शांति शांति शाति वनस्पतय देवा शांति ब्रह्म शाति सर्वध शांति शांतिरव शांति साम रेधि ओ शांति 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 जो, जो बोले सो है धर्म धर्म जगत गुरु महर्षि ऋषि दया नय गुरु अरविदानंद जी महाराज की जय और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय भारत माता की जय माता का पालन हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय योगेश्वर श्री कृष्ण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साधर नमस्ते सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी को साधन नमस्ते तेईस दिसंबर को सुबह दस बजे केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कोटी में स्वामी श्रद्धा मिलना सुनाएंगे बारह बजे प्रीति भोज भी होगा हवन भी होगा संध्या भी होगी ये भी होगा डॉक्टर जयंद्र जी एस के ब्रह्मा रहेंगे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास आप सभी साधारण मंत्री हैं अगला वेबिनार सोमवार बीस तरीक को 5 बजे होगा फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद